सो हेलो गाइस, यार कैसे हो आप लोग। तो यार तुम में से बहुत सारे लोगों ने ये बात तो सुनी होगी कि कभी कभार ऐसा होता है कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। अब यार तुमने कहीं से भी सुना हो, पर तुम लोगों ने सुना तो जरूर होगा। यार ऐसी ही चीजें डोरेमोन और शिनचैन में भी होती है, और यार ऐसी ही चीजें मैं आप लोगों को करने वाला हूँ रिवील और बताने वाला हूँ तुम लोगों को सच्ची रियलिटी। अब यार असल में मैं कह क्या रहा हूँ ये तो तुम्हें वीडियो में ही पता चलेगा, पर यार वीडियो में एक बहुत कमाल का फैक्ट है, मतलब यार तुम्हारा दिमाग घुमा देगा वो फैक्ट। तो वीडियो को पूरा जरूर सही देख लेना एंड तक। तो फिर यार चलो करते हैं आज की कमाल की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले यार मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ जियान की रियलिटी, मतलब यार तुम जो भी जियान के बारे में बचपन से सोचते हुए आ रहे हो ना, शायद वो अभी चेंज हो जाए मेरी ये वीडियो देखने के बाद। यार तुम लोग जानते होगे कि यार नोबिता के पापा नोबिता के साथ रहते हैं, वैसे ही सुनियो और शिज़ुका के पापा भी उनके साथ ही रहते हैं, पर जियान की पापा को तुम लोगों ने कभी भी उनकी फैमिली के साथ रहते हुए नहीं देखा होगा। यार कभी कभार एक दो बार वो जियान की फैमिली से मिलने आ जाते हैं। वैसे यार देखा जाए तो इसमें जियान के पापा की भी गलती नहीं है, अगर वो जियान के साथ रहेंगे तो फिर बूढ़ा गुरीला के साथ कौन रहेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है यार, मतलब बातों बातों में इतनी बड़ी चीज रिवील हो गई। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि क्या जियान के पापा ही बूढ़ा गुरीला के पापा है? कमेंट करके बता देना यार। अब यार आते हैं मेन टॉपिक पे। सो हाँ यार, जियान के पापा जो है वो मोस्टली अलग रहते हैं उनकी फैमिली से, जिसकी वजह से यार जो जियान की मॉम है उनको सारा काम करना पड़ता है और पैसे भी उन्हीं को कमाने पड़ते हैं। तो यार जियान की मॉम को अकेले बहुत ज्यादा काम होता है, सो यार इसीलिए जियान को भी उनकी हेल्प करनी पड़ती है। अब यार जहाँ नोबिता जैसे बच्चे दिन में सोते हैं, वहीं यार जियान जो है वो डिलीवरी करता है अपनी मॉम की हेल्प करने के लिए। अब यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि जो जियान है वो नोबिता से बड़ा है या फिर सुनियो से बड़ा, मतलब यार सारे के सारे सेम एज के ही। यार एक तो उसको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है और ऊपर से उसके घर की हालत पैसों के मामले में बहुत अच्छी नहीं है। जहाँ बाकी सारे बच्चे कॉमिक बुक में या फिर खेल खिलौने में पैसे खर्च करते हैं, वहाँ पर यार जियान के पास कॉमिक बुक या फिर खिलौने पर खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है। पर देखो यार रियलिटी ये है कि यार वो भी बेचारा बच्चा ही है, उसको भी यार खेलने के लिए कॉमिक बुक या फिर खिलौने चाहिए, जो कि यार वो खुद से नहीं खरीद पाता, इसीलिए यार वो दूसरे बच्चों का छीन लेता है। अब यार इसमें उसकी भी गलती नहीं है, अगर उसके पास पैसे होते तो वो खुद का खरीद लेता ना, और हम लोग उसको काफी बुरा समझते हैं और हम लोग उसको एक विलन करेक्टर समझते हैं। इन रियलिटी यार जियान एक गरीब बच्चा है। और यार एट द एंड मैं यही बोलना चाहूंगा कि यार मतलब जियान बुरा करेक्टर नहीं है, और यार तुम लोग भी इसको बुरा करेक्टर मत माना करो यार। अगर तुम लोग सही में किसी को बुरा मानना चाहते हो ना, तो शिज़ुका को मानो, शिज़ुका बहुत बुरी करेक्टर है। मजाक कर रहा हूं यार, सीरियस मत लेना। तुम में से यार बहुत सारे लोग बहुत बुरा बुरा कह रहे थे मुझे कि यार मतलब मैंने ही अपनी वीडियो से शिज़ुका के लिए बहुत ज्यादा हेट फैला दिया। तो यार ऐसी बात नहीं है, शिज़ुका उतनी बुरी करेक्टर नहीं है। तो यार इन रियलिटी क्या बात है कि जब वो देखी सुखी के साथ रहती थी ना, तो यार मुझे जलन होती थी, तो इसीलिए मैं ऐसा बोलता था। तो यार उम्मीद है कि तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। यार उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक शिनचैन की करेक्टर की। तो यार तुम लोग भी सोचते होगे कि यार शिनचैन का सबसे बेस्ट करेक्टर कौन सा है? नहीं क्या मतलब तुम्हारे पास टाइम नहीं है ये सब सोचने के लिए? मैं तो सोचता हूँ यार। यार मेरे ख्याल से क्या है ना कि जो शिनचैन की सीरीज का सबसे अच्छा कैरेक्टर मेरे ख्याल से कोई है ना, तो वो है बोचैन। अब यार ऐसा क्यों है ये बात मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। अब यार जो शिनचैन है वो तो मेन कैरेक्टर है, तो इसीलिए हम लोग उसको इंक्लूड नहीं करते। और जो नैनी है वो सेल्फिश है, जो मसाओ है वो काफी वीक है, मतलब यार रुतड़ू टाइप का बच्चा है वो। और जो कजामा है वो अच्छा कैरेक्टर हो सकता था, पर देखो यार बात ऐसी है ना कि जो कजामा है वो काफी शो ऑफ करता है, जैसे कि उसको यार मोईपी नाम के कैरेक्टर पसंद है, पर वो बाहर कभी नहीं बताता क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि यार ये सब तो बच्चे करते हैं, सब लोग मेरे बारे में बुरा सोचेंगे। अब यार आते हैं इस बात पे कि आखिर बोचैन बेस्ट करेक्टर क्यों है, कि आखिर बोचैन बेस्ट करेक्टर क्यों है। तो यार सबसे पहली बात, एक तो वो शांत है, ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, अपने काम से काम रखता है, और शिनचैन का काफी अच्छा दोस्त है, और सबसे बड़ी बात वो कभी भी शो ऑफ नहीं करता कजामा की तरह। और यार इस बात से आप भी सीख सकते हो कि यार कभी यार अपना डिसीजन इसलिए मत बदलो कि तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे दूसरे लोग, ये चीज सोच के। और यार बोचैन के बाद नंबर सेकंड पे मुझे सबसे अच्छा करेक्टर लगता है शीरो, और शीरो के बाद लगते हैं प्रिंसिपल। तुम भी कमेंट करके बता देना कि तुम्हें कौन से करेक्टर अच्छे लगते हैं। यार उसके बाद जैसा कि मैं तुम लोगों को वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैं तुम लोगों को बहुत बड़ा फैक्ट बताने वाला हूँ, तो यार देखो फैक्ट ये है कि एक सुनियो का रियल ब्रदर भी एग्जिस्ट करता है। तो यार सही वाला रियल ब्रदर, सो यार इसका नाम है सुनेत्सुगु। तो यार पहले ओल्ड सीरीज में इसको बहुत बार दिखाया गया था, पर यार पता नहीं क्यों इसको अचानक से बड़े ही मिस्टीरियस ढंग से गायब कर दिया गया। अब यार ये सही में सुनियो का रियल ब्रदर है, सुनीकिची की तरह कजन नहीं है। और यार उसके बाद इसको एक एपिसोड में दिखाया गया था जहाँ पर हमें ये पता चला था कि ये अब अमेरिका में रहने लग गया है, किसी आदमी ने इसको अमेरिका में ही अडॉप्ट कर लिया था। अब यार इतने अमीर होते हुए भी किसी और आदमी को अपना
बेटा क्यों दे दिया सुनियो के मम्मी पापा ने, ये बात तो यार मुझे नहीं पता, बट एक एपिसोड में ये सुनियो से मिलने के लिए आया था जिसका नाम है सुनियो इज द आइडल बिग ब्रदर। अब यार उसके बाद एक बहुत बड़ी सीरीज है जिसका नाम है ऑगी एंड द कॉकरोचेस। तुम में से बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे। यार एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सीरीज का एक एपिसोड ऐसा भी आया था जहां पर यार ऑगी सीरीज के सारे कैरेक्टर्स आए थे इंडिया में। जी हाँ यार तुम लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अब यार जो ऑगी एंड द कॉकरोचेस सीरीज है वो ओरिजिनली फ्रांस की सीरीज है। अब यार ये काफी प्राउड की बात थी कि कोई वर्ल्ड वाइड फेमस एनिमेटेड सीरीज का एक स्पेशल एपिसोड पूरा का पूरा इंडिया के ऊपर बेस्ड हो। अब यार इसके पीछे का एक रीजन ये भी हो सकता है कि यार ऑगी एंड द कॉकरोचेस के बहुत सारे व्यूअर्स इंडिया से बिलोंग करते हैं। यार ये सही में काफी अच्छी बात है। और यार मेरे ख्याल से डोरेमोन और शिनचैन का भी यार ऐसा करना चाहिए। यार डोरेमोन और शिनचैन की बहुत ज्यादा ऑडियंस इंडिया से है यार, मतलब एक दो एपिसोड तो ऐसा करना चाहिए या फिर एक दो मूवी ऐसी करनी चाहिए डोरेमोन और शिनचैन की जो कि यार इंडिया के ऊपर थोड़ी बहुत बेस्ड हो। अब यार वीडियो रियलिटी के ऊपर है तो एक रियलिटी और भी बता देता हूँ जो कि है निंजा हथौड़ी की। तो यार निंजा हथौड़ी ईगा गांव से आया था, आप लोग सभी जानते हो। तो यार जब वो फर्स्ट टाइम शहर में आया था तो उसको एक बकरा चाहिए, तो उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, ना रहने के लिए और ना खाने के लिए। तो असल में वो किसी ऐसे बुद्धू इंसान को ढूंढ रहा था जिसके घर में वो रह सके। तो यार जो सबसे पहला उसको बुद्धू इंसान मिलता है वो होता है केनिची, और फिर धीरे धीरे शिंजो और शिशु मानू को भी अपने साथ बुला लेता है। इस तरीके से उसको घर के पैसे भी नहीं देने पड़ते रहने के लिए और खाने को भी उसको फ्री में मिल जाता है। सर ऐसे ही कोई निंजा नहीं बन जाता, दिमाग चाहिए होता है जो कि यार हथौड़ी ने लगाया। सो यार आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार कर देना यार, मैं बार बार बोलते बोलते थक जाता हूँ। सो आज के लिए गुड बाय।